बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद अक्सा शरीफ की मेन एंट्रेंस है और उसी के बिल्कुल साथ ये सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं जो मस्जिद अक्सा शरीफ का कदीमी हिस्सा है। आइए उसकी ज़्यारत आपको करवाते हैं जहाँ मेहराब ज़करिया है, मुख्तलिफ बरकत वाले ये मकाम है। और ये नीचे ओरिजिनल असल जो मस्जिद थी पहले, वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप देखें कितनी सीढ़ियां नीचे उतरकर यहां से जाना पड़ता है। और जब इन सीढ़ियों से उतरते हैं तो ये मस्जिद शरीफ की कदीमी, ये आप दीवारें देखें, ये ऊपर देखें पत्थर का काम। और ये वो हिस्सा है जो कदीमी मस्जिद है। अब जो मस्जिद इसके ऊपर है वो न्यू उसकी तामीर है, लेकिन वो भी काफ़ी पुरानी है। बहरहाल ये वो मस्जिद शरीफ है, बरकत वाली मकाम है, जगह है। हाँ जी, हाँ जमात होती है यहाँ बाकायदा, और रमजानुल मुबारक के दिनों में एतकाफ यहाँ पर होता है। जो हजरात एतकाफ करना चाहते वो इस हिस्से में होते हैं, नए वाले हिस्से में ऊपर बाकी नमाजी होते हैं, लेकिन अवामुन्नास जो एतकाफ फरमाती है यहाँ वो इस हिस्से में। और ये माशाल्लाह नीचे है, और अभी इससे भी और हम नीचे जाएंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि असल मस्जिद कितने नीचे मकाम पर मौजूद है। तो ये आप देख रहे हैं उसकी दूसरी जानिब है, यहाँ ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं। ये अभी सीढ़ियाँ हम और कितनी यहाँ नीचे उतरेंगे, तो ये काफ़ी डीप है। और इसमें आप ये पिलर देखें जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से तामीर करवाई। इन पत्थरों को, इन पिलरों को भी इन्होंने महफूज किया है साथ नई एक्सटेंशन करके। और यहीं नीचे पुराने हिस्से में ये आप देखें पुराना जो तामीर है उसकी कुछ, ये आप इसे देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। ये सामने मकतबा है, लाइब्रेरी है यहाँ इस हिस्से में। और उसके साथ ये बड़े बड़े पत्थर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिन्नात की तामीर थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं अभी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, तीन चार पत्थरों पर ये, और फिर उसके साथ ये पिलर है। और ये अंदर यहाँ लाइब्रेरी है, और इसके साथ फिर ये जो मकाम है, ये जो आपको मेहराब नज़र आ रही है, अब ये देखें ये पिलर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम की पत्थर हैं। यकीनन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये मेहराब है, दो रिवायात हैं इस मेहराब के बारे में। एक तो ये कि ये सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब है जहां आप इबादत फरमाते थे, और एक रिवायत ये भी है जहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नबियों की इमामत फरमाई। तो इस जगह के बारे में दो रिवायात हैं, लोग यहाँ आते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। ये आप पत्थर देखें कितने बड़े बड़े हैं। इसके साथ फिर ये एक कमरा है, और ये ओरिजिनल असल मस्जिद अक्सा शरीफ का हिस्सा है। और ये कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए। और इसी में ये एक कुआँ है। पहले जब मस्जिद शरीफ के अंदर शायद आपको कुछ नज़र आ सके, ये देखें, ये वो कुआं बनाया गया था जो जैतून का तेल जमा करने के लिए था। जब मस्जिद में जैतून के चिराग जला करते थे तो ये कुआं यहाँ बनाया गया था। लोग डोनेट करते थे, जब आते साथ कुछ ना कुछ जैतून का तेल लाते, ओलिव ऑयल लाते, यहाँ डोनेट कर देते जो मस्जिद के चिरागों में इस्तेमाल होता। तो ये मस्जिद शरीफ का पुराना हिस्सा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम का सदका हम इस मकाम पर हाजिर हैं। खुदा बंदे कुद्दूस नबी रहमत अलैहिस्सलाम का सदका, जितने भी हजरात ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह सब की मुरादें पूरी फरमाए, सबकी हाजात को पूरा फरमाए, सबकी बीमारियों को शफा में तब्दील फरमाए, सबको दीन और दुनिया की बरकतें अता फरमाए। और जिस जिसने भी दुआ के लिए कहा है, अल्लाह ताला उन सब के हक में हमारी सब दुआओं को कबूल फरमाए और उन्हें दुनिया और आखिरत की इज्जतों से मालामाल फरमाए। भाई जमशेद मेरे साथ हैं, इरफान भाई हैं, दीगर और पूरी टीम है, बहुत से लोग हैं इस ग्रुप में, 25 के करीब अफराद हैं। अल्लाह सबका सफ़र मकबूल फरमाए और सबको कदम कदम पे अल्लाह बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन।